हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरएसीबी जेई 2024 में आने वाली वैकेंसी के अंदर एक सबसे कॉमन डाउट की, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या अदर स्टेट स्टूडेंट्स अलाउड हैं, क्या बीटेक स्टूडेंट अलाउ हैं या डिप्लोमा स्टूडेंट अलाउ हैं, क्या एमटेक किया हुआ है तो वो स्टूडेंट इसमें अलाउ है क्या, एज रिलैक्सेशन कितना है, मैं निगम के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं तो मुझे कितने साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब अपन इस वीडियो के अंदर ढूंढने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें अगर अपन आरएसबी जेई की वैकेंसी के बारे में, तो पहले अपन जनरल बात डिस्कस कर लें कि आरएसबी यानी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड असल में 5 कंपनियों के अंदर डिवाइड किया गया। एक कंपनी है जिसका नाम है RVUN, जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। इसका काम राज्य के अंदर पावर जनरेशन करने का होता है। फिर दूसरा कंपनी होता है RVPN यानी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इनका काम होता है उस जनरेटेड पावर को ट्रांसमिट करने का। फिर उसके बाद में उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बनाई गई है, जिसमें एक है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और एक जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसका नाम है JVVN, ABVN एंड JDVVN। ये 5 कंपनियां मिलकर के राजस्थान के अंदर विद्युत का उत्पादन, संचरण एवं वितरण यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इसकी वैकेंसी पिछली बार 2021 के अंदर आई थी, जो 2022 में कंप्लीट हो गई थी। इस बार इसका वैकेंसी 2024 के अंदर टेंटेटिव है, बिल्कुल बहुत जल्दी आने वाली है। तो इसके अंदर सबसे कॉमन डाउट जो है वो स्टूडेंट का ये आता है कि सर क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अपन कि क्या वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, चाहे कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इन तीनों के तीनों स्ट्रीम्स के अंदर स्टूडेंट को 4 ईयर यानी कि फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग में करना है या फिर IMEI होना चाहिए, और ये यूनिवर्सिटी जो है वो AICTE से अप्रूव होनी चाहिए। यानी यहां पर आपको क्लियर कट मेंशन किया गया है कि आपको मिनिमम बीटेक होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने बीटेक के बाद एमटेक भी किया है या PhD भी किया है तो भी आप इसमें एप्लीकेबल हैं, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये तो समझ में आ गया बीटेक, मगर इसके बाद भी हमारे कई सारे डाउट है, जैसे कि क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट अलाउ है। सर मैं बीटेक तो कर रहा हूं मगर मैं फाइनल ईयर के अंदर हूं, क्या मैं फाइनल ईयर के अंदर रहते हुए इस फॉर्म को भर सकता हूं। तो इस बात का जवाब भी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू देना चाहूंगा। कई सुनी बातों पर विश्वास ना करें, ऑफिशियल
वीडियो के अंदर हमने बात करी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो आरएससीबी का वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने बीटेक किया है या आप हायर क्वालिफिकेशन से हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, मगर बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, मगर आप जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और एज क्राइटेरिया की भी हमने बात करी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हमने बात करी। आगे आने वाले दिनों के अंदर इसी सीरीज के अंदर हम और भी आरएससीबी, आरएसएसबी और आरपीएससी एएन के एग्जामिनेशन से रिलेटेड इसी तरीके के फैक्ट्स आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा और आपको इससे वैल्यू मिली आपकी प्रिपरेशन के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।